और नेक्स्ट है कि 1 जुलाई 2020 को महान बल्लेबाज सर एवर्टन वीक्स का निधन हो गया। वह किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे? तो वह जो है वेस्टइंडीज के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। और इस सवाल को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी सर एवर्टन वीक्स का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो समझ जाइएगा वो क्रिकेटर से संबंधित थे, बल्लेबाज थे। उसके बाद में एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि उन्हें कैरेबियाई क्षेत्र में खेलों का जनक माना जाता था, तो इनकी एक ये और उपलब्धि है। और अगली न्यूज फुटबॉल के क्षेत्र से संबंधित है। 28 जून 2020 को पूर्व स्ट्राइकर मारियो गोमेज ने फुटबॉल करियर से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के हैं? तो वह जर्मनी से थे। और अगर यहाँ पर खेल का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल है, फुटबॉल के जो है फुटबॉलर थे। और अगला है कि 21 जुलाई 2020 को किस सरकार ने लोगों के घरों तक राशन डिलीवरी हेतु मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है या उसको मंजूरी प्रदान किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दरअसल दिल्ली की सरकार ने जो PDS का राशन होता है उसको अब लेने के लिए दो विकल्प दिया है, आप उसको घर पर लेना चाहते हैं या PDS की दुकान पर जा करके लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए दो विकल्प रहेगा। 20 जुलाई 2020 को वाइस एडमिरल अजीत कुमार, जो कि पश्चिमी नौसेना कमान से हैं, तो अजीत कुमार ने पश्चिमी नौसेना कमान के लिए कितनी क्षमता वाले पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का ये उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 मेगावाट। यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 जुलाई 2020 को वाइस एडमिरल अजीत कुमार ने पश्चिमी नौसेना कमान हेतु, यहाँ पर ध्यान रखना है किसके लिए, पश्चिमी नौसेना कमान के लिए 2 मेगावाट क्षमता वाले पहले सौर संयंत्र का ई उद्घाटन किया। यह सौर संयंत्र नौसेना स्टेशन करंजा में स्थापित किया गया है। इस सौर संयंत्र में 100% स्वदेशी रूप से विकसित सौर पैनल, ट्रैकिंग टेबल और इन्वर्टर लगे हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी से पूरी जो है इंडिजीनियस है, स्वदेशी है। 21 जुलाई 2020 को छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मनोदर्पण पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो मनोदर्पण पहल जो है इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है, और मनोदर्पण पहल को जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा भी माना जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया। तो जोरम मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया है कोलाशिब में। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कोलाशिब में। और कोलाशिब पड़ता है आपका कहाँ पे? ये पड़ता है मिजोरम में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। यहाँ पर और देखिए कि 75 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और 55 एकड़ में विस्तृत फूड पार्क से प्रत्यक्ष तौर पर 25,000 किसानों को लाभ होगा। साथ ही इससे 5,000 से अधिक क्षेत्रीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मेगा फूड पार्क को राष्ट्रीय राजमार्ग 54 के पास स्थापित किया गया है, तो एक प्रकार से जो किसानों की इनकम 2022 तक दोगुना करने की भारत सरकार की योजना है उसके लिए इस प्रकार के मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है। और नॉर्थ ईस्ट में जहां पर जो है फल सब्जी इत्यादि के उत्पादन होते हैं, ऐसे में किसानों की आय को बढ़ावा मिलेगा और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एक प्रकार से सुरक्षा प्राप्त होगी। और अगली न्यूज उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है कि 11 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया? तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये आयोग एकल सदस्यीय होगा, सिर्फ एक सदस्य इसमें होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। एक बात यहाँ पर और जानना जरूरी है कि इस आयोग का जो मुख्यालय होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा कानपुर में। कहाँ पे होगा? कानपुर में ये मुख्यालय होगा। नेक्स्ट है कि 1 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। यह अभियान प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? तो ये अभियान प्रदेश के 75 जिलों में संचालित किया जाएगा। और यह अभियान जो है 1 जुलाई से 21 जुलाई 2020 तक संचालित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को इस अभियान का नोडल विभाग बनाया गया है, यानी कि जो मॉनिटर करेगा। वर्तमान में प्रदेश में 38 जिलों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस और जापानी इंसेफेलाइटिस के सबसे ज़्यादा प्रभावित, इस माने कि ये जो रोग है संचारी रोग है जापानी इंसेफेलाइटिस और
एक्यूट इंसेफेलाइटिस, तो इससे 38 जिले जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। 1 जुलाई 2020 से किस प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में जो है जितने भी वायरस जनित बीमारियां हैं उनको एक प्रकार से उनके विषय में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है और ये दिवस मनाने की पहल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। दरअसल 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के किनारे, यहाँ पर देखिएगा तुंगुस्का नदी के पास में क्षुद्रग्रह के कारण जो है बहुत बड़ी घटना हो गई थी, तो उसी को जो है सालग्रह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उसी के सालग्रह के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस जो है मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड जूनोसिस डे प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस के जीव विज्ञानी रहे लुई पाश्चर की याद में इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर की स्मृति में इसे मनाया जाता है। और अगला है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जानना, वो ये है कि 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल न्यायालय की संस्थापक संधि और रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। यानी कि ये जो 17 जुलाई मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस 17 जुलाई 1998 को ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल न्यायालय की स्थापना हुई थी और रोम संविधि को जो है अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट जो है न्यायालय, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है नीदरलैंड के द हेग में और इसके एट प्रेजेंट वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं चिली इवोए ओसुजी। तो पूछा जा सकता है ये सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पर है, तो नीदरलैंड के द हेग में है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम थी वो थी स्किल्स फॉर ए रिजिलिएंट यूथ, तो थीम किसी भी आयोजन की महत्वपूर्ण होती है। विश्व युवा कौशल दिवस जो कि 15 जुलाई को मनाया जाता है उसकी थीम थी स्किल्स फॉर ए रिजिलिएंट यूथ। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है और ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1982 को हुआ था। उनको वर्ष 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है, तो हागिया सोफिया संग्रहालय जो है तुर्की में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में स्थित प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया गया है। और किसके द्वारा सुनाया गया है, तो ये तुर्की की सर्वोच्च अदालत के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। 1500 वर्ष पूर्व एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई गिरजाघर के रूप में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद में बेजेंटाइन साम्राज्य के सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने 537 ईसा पूर्व में इसको जो है बनवाया था। तो 537 ईस्वी में बेजेंटाइन साम्राज्य के सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने इसको बनवाया था और 1453 ईस्वी में उस्मानियाई शासकों ने एक मस्जिद के रूप में इसको बदल दिया। बाद में वर्ष 1934 में तुर्की के आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष शासक कमाल अतातुर्क ने हागिया सोफिया को संग्रहालय में बदल दिया था। मौजूदा समय में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में वो शामिल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका निर्माण बेजेंटाइन साम्राज्य के सम्राट जस्टिनियन प्रथम के काल में 537 ईस्वी में हुआ था। उसी को दूसरे रूप में बताया जा रहा है कि 1500 वर्ष पहले ऑर्थोडॉक्स ईसाई गिरजाघर के रूप में इसका निर्माण हुआ था। 6 जुलाई 2020 को किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का निर्णय किया है, तो ये निर्णय किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। और अगली न्यूज उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई 2020 को मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत एक दिन में पूरे प्रदेश में कितने पौधे लगाए गए, तो एक दिन में पूरे प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव के अंतर्गत कुकरैल वन में मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुभारंभ किया। ये बात महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि कहाँ पर ये मिशन वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया, तो कुकरैल वन में। उसके बाद में हरिशंकरी के वृक्षों का रोपण कर इसका उद्घाटन किया गया।
हरी शंकरी का मतलब क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है कि पीपल, बरगद और पाकड़ के सम्मिलित रोपण को हरी शंकरी वृक्ष कहा जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वनस्पति वैविध्य महाअभियान 2020 पुस्तक का विमोचन भी किया। मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत 5 जुलाई 2020 को एक दिन में पूरे प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए, तो ये बात महत्वपूर्ण है। उसके बाद में इस मिशन के तहत व्यापक जन सहभागिता एवं अंतर्विभागीय समन्वय से प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ से अधिक औषधीय, फलदार, पर्यावरणीय, छायादार, चारा, औद्योगिक व प्रकोष्ठ की दृष्टि से महत्वपूर्ण 201 से अधिक प्रजातियों के वृक्ष लगाए गए। हाल ही में L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग कंपनी ने किस उद्देश्य से अमेरिकी फर्म KBR के साथ समझौता किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रिफाइनरी के निर्माण के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 2020 में L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अमेरिकी फर्म KBR के साथ रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु समझौता किया है। वहीं अगर भारत में हम हाइड्रोकार्बन्स के जुड़े हुए मामलों को देखें तो 31 मार्च 2018 तक भारत का अनुमानित क्रूड ऑयल भंडार जो था वो 594.49 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.59% कम रहा। भारत में इसका सर्वाधिक भंडार वेस्टर्न ऑफशोर में है, इसके बाद इसका स्थान आता है तो असम में आता है। तो सबसे ज़्यादा भंडार जो है वो कहाँ पर है, तो ये है वेस्टर्न ऑफशोर यानी कि पश्चिमी समुद्र तटीय से, मतलब समुद्र से जो क्या कहते हैं, जैसे बम्बई, बॉम्बे अब तटीय बेसिन बनाया गया है, बॉम्बे हाई बनाया गया है, जहाँ पर जो है क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है वेस्टर्न ऑफशोर। उसके बाद में असम का स्थान आता है जहाँ पर नुमालीगढ़ वगैरह रिफाइनरियाँ हैं। भारत में प्राकृतिक गैस का अनुमानित भंडार उपरोक्त तिथि तक 1339.57 बिलियन क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया है। ये रहे हाइड्रोकार्बन्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े हुए भारत के कुछ और तथ्य जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।